आप कंप्लीट पेयर जो हमारे पास इस समय है, क्या इनकी खूबसूरती है, क्या कहते हैं ये पेयर अपने आप में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप भी देखना चाहते हैं कबूतरों के एक्साइटिंग वीडियोस और भी जानवरों की, तो जल्दी से इस लाल बटन को दबाएं और साथ में इस रिंग आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच पाए। नमस्कार, सबसे गलत मैं हूँ आपका दोस्त अनंत, स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं अपने ऑपरेटिंग सेटअप का टूर। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी भाइयों की कमेंट बॉक्स के अंदर कि भी अपना जितना जो आपका नया सेटअप है प्लीज़ वो दिखाएं। तो भाई, कराते हैं शौक आपको अपने नए कबूतरों का, और जो ब्रीड नई बनाई है वो दिखाते हैं आपको कम्प्लीट, प्लस क्या क्या जोड़े हैं, किस किस तरह के हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि देखने में थोड़ा सा मजा आ सके आपको भी। ठीक है दोस्तों, तो सीधा लेके चलते हैं आपको वीडियो की ओर। तो दोस्तों, करने जा रहे हैं वीडियो की शुरुआत। थोड़ा सा पेंट करने की कोशिश की थी भाई, काफ़ी टाइम से पेंट नहीं किया था, तो उसे पेंट किया थोड़ा बहुत अंदर से भी, बाहर से जितना हो गया अभी थोड़ा बचा है, बाकी का फिर नेक्स्ट में वो दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह का सेटअप बनाया है मेरे भाइयों, जो हमने बनाया है अपने पेयर्स के लिए। ये सारे अपने ब्रीडिंग पेयर हैं, और ये देखिए आप, प्रॉपर एक एक दड़बे के ऊपर एक एक नंबर डाला हुआ है, और उस नंबर में उसी नंबर का कबूतर हमने रखा हुआ है, वो आपको सब दिखाएंगे। तो भाई, करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेके चलते हैं आपको पहले नंबर जोड़े की तरफ, एक नंबर पेयर, और करवाते हैं आपको धूप में शौक, क्योंकि धूप में काफ़ी अच्छा शौक हो सकता है अकॉर्डिंग टू छाँव के अंदर कबूतरों की खूबसूरती थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। टोटली प्योर मलवाई पिजन से सारे के सारे, तो देखने में आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। आज बच्चों के जो ब्रीडिंग सेटअप है, बच्चों के जो बच्चे की ब्रीडिंग करवाई थी मैंने, उनकी ब्रीडिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, शो करूंगा आपको इन ढक्कनों को खोल के। ठीक है, तो फिलहाल ले चलते हैं पहले पेयर की तरफ। तो शुरुआत करने वाले पहले पेयर की, पहला जो नर अपने पास वो है ये, आंखों क्लैरिटी देखें आप, और ये देखें पर चौड़े परों में, बाकी छोड़ के दिखाएंगे आपको सभी कबूतरों को अभी थोड़ी देर में। ठीक है, एक एक करके। तो पहले आपको शौक करा दें, ये एक नंबर पेयर है। अब एक नंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पैर में जो रिंग डाल रखी है मैंने, ये देखें आप, ये एक नंबर की है, 01। ठीक है, तो इसे छोड़ देते हैं, इसकी फीमेल ले आते हैं। अब जो भाई कबूतरी साथ लगाई है वो लगाई है, ये बहुत प्यारी कबूतरी है, बच्चे उड़ाती हुई, पहले भी इसके बच्चे लिए थे, उड़ा करके शौक किया, काफ़ी अच्छा है इसका बच्चों का। जो लास्ट टाइम तिलकटी कबूतरी थी उसकी माँ है ये, पर देखे तो भाई बारीक परों से मैच दे रखा है चौड़े परों का, वही जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे आपको जोड़े लगाने के, लगभग वही पैटर्न इनके हाथ में हमने लगाया है। ठीक है, बाकी छोड़ के बाद में दिखाएंगे आपको, जल्दी जल्दी दिखा देते हैं आपको फिलहाल अभी कबूतर, ताकि शौक आपका हो सके। आती है बारी भाई दो नंबर पेयर की, जो दो नंबर पेयर है आपके सामने वो है ये लाखा नर, आंखें देखिए आप बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा और क्लोज लेके चलते हैं आप आंखों की तरफ, देखिए पर जो है इसके भी चौड़े हैं, चौड़े परों में कबूतर है, काफी खूबसूरत, काठी अच्छी कबूतर की, खड़े वजूद का कबूतर है लाखा है। जो आपको दो नंबर कबूतर दिखाया लाखा, उसका जो कबूतरी लगा रखी है वो लगा रखी है ये देखें आप, ठीक है दोस्तों, पर देखें आप इसके, इन सभी की भाई ब्रीडिंग चल रही है, तो ब्रीडिंग वीडियो अगली वीडियो आएगी ब्रीडिंग की, जरूर देखिएगा उसकी भी। तो आपको चलेगा पता शौक कि इस समय लेवल कहां तक पहुंचा है और क्या बच्चे हमने निकलवाए हैं इस टाइम। फिर आती है बारी तीन नंबर पेयर की, ये देखिए आप आंखें, काफी खूबसूरत आंखें हैं, परों की बात करूं तो पर कुछ इस तरह से है पल्ला इसका पूरा। ठीक है, और पंजे की बात करें तो पंजे कुछ इस तरह से, बिल्कुल पतले पतले कबूतर हैं सारे लगभग।
जो तीन नंबर की फीमेल है भाई वो है कुछ इस तरह से। सिंदूरी पलके, खूबसूरती आपके सामने है। ये पल्ला और ये इसके पंजे। राती है भारी चार नंबर की, तो ये है चार नंबर का मेल। पर ये है इसके काफी चौड़े पर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे दुम बिल्कुल, और पंजे ये हैं भाई। रिंग चार नंबर की इसमें डली हुई है। ये चार नंबर वाले की फीमेल है, शौक करे पहले फीमेल की आंख का। बहुत छोटी सी कबूतरी है देखे आप, छोटी सी और प्यारी सी। ये पर हैं इसके और ये पंजे हैं। कबूतरी अगर देखे तो अब ये है, ये देखिए बिल्कुल एक बिलानी कबूतरी भी नहीं है, मुश्किल से पूंछ से भी पूरी इतने हिस्से में कवर हो रही है कबूतरी, देखें आप। वाह भाई वाह, छोटी सी कबूतरी। उसके बाद अप नेक्स्ट ये देखें आप, बहुत ही शानदार गुलाबी पलकों के अंदर ये पल्ला है इसका। वजूद काफी बड़ा है इसका साइज, ये देखिए। ये है पांच नंबर का कबूतर। पांच नंबर की कबूतरी अगर बात करें तो कबूतरी भाई कुछ इस तरह से है। मकुई आंखों में, बहुत ही खूबसूरत। और ये है इसके पर और ये है इसके पंजे। ठीक, रूम नंबर सिक्स जो है इसको अलाउड रखा भाई, फिलहाल अकेला ही है अभी, इसके लिए इसकी वाइफ ढूंढनी पड़ेगी, तो टाइम लगेगा उसके अंदर भी। अभी कबूतर काफी प्यारा है, वजूद जो है कबूतरी का लिए बैठा है, और है कबूतर, और पंजे देखा तो बिल्कुल छोटे छोटे पंजे कबूतरियों की तरह। सात नंबर पे जो है वो ये कबूतर है, काला मखियाला दुबास। फिलहाल इसके बच्चे अभी लिए नहीं, एक्चुअली मैं इससे दूसरों के बच्चे पलवाने का काम कर रहा हूँ। ब्रीडिंग बहुत अच्छी कर रहा है ये भी, तो जो अपने मेन सिलेक्टेड पेयर हैं उनके बच्चे इनसे पलवाए जा रहे हैं। ये देखिए आप, कबूतरी दिखाता हूँ इसकी आपको, ये सात नंबर का है पेयर। जो कबूतरी है इसकी भाई सात नंबर वाले की, वो है ये, काफ़ी खूबसूरत है ये भी। ये प्रॉपर सभी मलवई हैं भाई, दुबाज है ये भी, लेकिन इसके बच्चे अभी लिए नहीं फिलहाल मैंने, क्योंकि फोकस अभी कहीं और था, तो इसलिए थोड़ा सोचा कि इन्हें टाइम दे करके इनके बच्चे बाद में ले लेंगे। आठवां पेयर जो है वो है ये, पर हैं जो ये हैं इस तरीके से, और पंजे देखें आप। जोड़ भाई सभी कबूतरों को टाइट मिलेंगे अपने पास आपको, टोटल टाइट एकदम। आती है नेक्स्ट इसकी फीमेल की बारी, तो फीमेल इससे ही लगा रखी है भाई, बच्चे इनके भी निकल चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ये देखे पर, ये देखे पंजे। फिर आते हैं हम नौ नंबर की तरफ, तो नौ नंबर में भाई ये है, ये नर है फिलहाल, पर गए थे इसके, तो परंत होता आ रहा है अभी प्रॉपर, और पंजे ये है इसके, तो फीमेल लगाई है वो हमने, वो लगाई है कुछ ये।
परंत कर रहे हैं फिलहाल इसे अभी भी, और मौज फुल है और थोड़ी सी ये देखें। फिर करते हैं नेक्स्ट की बात, तो नेक्स्ट में भाई अपने पास है ये सलेटी दुबाज, पंजाबियों में भी कुल्ले देखें आप इसके के कुंदे, और ये देखें आप इसके पंजे। बाकी लास्ट तक वीडियो देखेगा भाई, अभी छोड़ के दिखाएंगे सारे कबूतर। कबूतरी लगाई है भाई इसके साथ में, 12 नंबर पेयर है ये, तो जो कबूतरी लगाई है वो लगाई है ये, इसने भी एक्स रख दिए हैं फिलहाल। नहीं बेटा नहीं, और लास्ट कबूतर भाई ये देखें आप, फिलहाल ये भी अकेला है, दुबाज चांदना दुबाज इसे कहते हैं, नीले डब्बे भी कहते हैं इन्हें। खूबसूरती देखिए बखूबी कूट कूट के भरी हुई है इसमें, और ये देखें वैसे ही बहुत खूबसूरत है, और पूछ में दो पर भी खूबसूरत है, वाइट पूरी पूरी वाइट कर ले तो मज़ा ही आ जाएगा फिर इसमें भी देखने वाले को। ठीक है तो लेके चलते हैं सीधा लॉफ्ट के अंदर। तो भाई ये है देखिए शौक मेन पंजाबियों का, इसमें सहारनपुरी भी हैं, वो तो फिलहाल अभी कंसेप्ट नहीं था इसका, वो कभी नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो में पार्ट कवर करेंगे। और जो बाकी आपको कबूतर कुछ दिख रहे हैं वो अंडे बच्चों के लिए रो रखे हैं फिलहाल। हाँ एक कबूतरी वो रह गई, वो भी फिलहाल अभी अकेली है, उसके साथ भी जोड़ा लगा के डालेंगे किसी न किसी का, जैसे ही उसके टक्कर का नर मिल जाएगा हमें। बाकी ये देखें आप कंप्लीट पेयर जो हमारे पास इस समय है, क्या इनकी खूबसूरती है, क्या कहते हैं ये पेयर अपने आप में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब तक आप अपना नहीं बताएंगे कि आज एक पेयर आपको कैसे लगे, तब तक नहीं चल पाएगा पता बिल्कुल भी कि कुछ बनाया या नहीं बनाया अभी तक। ठीक है तो ज़रूर बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगे आपको कबूतर। ये सभी कबूतर अपने पास ब्रीडर हैं जितने भी हैं जिनकी ब्रीड इस समय मैं ले रहा हूँ। ये देखें आप इनकी खड़क, इनकी पर्सनालिटी, सब भी कुछ बहुत ही बढ़िया। बोलने वाली बात नहीं है, आप दिख ही रहा होगा इसके अंदर वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पहले पहले कमेंट से भर दीजिएगा। चैनल पर नया है पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के एक्साइटिंग वीडियोस आपको लाइफ टाइम देखने को मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर पेट्स, बाय बाय। अत्तरेगी।